करीब 8 महीने पहले मक्सी रोड स्थित किशनपुरा में न्यायालय के आदेश पर मकान पर कब्जा दिलाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला करने वाले इनामी बदमाश चंदन गोमे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका खुलासा किया। यह आपको बता दे कि फरार इनामी बदमाश चंदन गोमे पर 5,000 रुपए का इनाम था। उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर 2019 की है। कोर्ट के आदेश पर फरियादी हरीश चंद्र गहलोत को पुलिस और प्रशासन की टीम मक्सी रोड स्थित किशनपुरा में इसके मकान पर कब्जा दिलाने गई थी, लेकिन मकान में रह रहे चंदन गोमे और उसके भाई आनंद गोमे ने अपने पिता दयाराम गोमे एवं परिवार जनों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया था और पुलिस और प्रशासन पर जमकर पथराव किया था। यही नहीं, जब पकड़ने गई पुलिस की टीम को चकमा देकर फरार हो गया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन आरोपी चंदन गोमे तभी से फरार था। शुक्रवार को मुखबिर सूचना मिलने पर पुलिस ने इंदौर रोड से ऐसे गिरफ्तार किया है। दरअसल ये अपने जीजा से मिलने के लिए ग्राम हेडिया आया था, तभी पुलिस ने इसे धर दबोचा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया, एसपी सर और महोदय द्वारा उनके मार्गदर्शन में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कल हमें सूचना मिली कि चंदन गोभी जो कि एक गंभीर अपराध में फरारी है और काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा है और इसमें 5,000 का इनाम भी पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। उसी के तहत हमें सूचना मिली मुखबिर से कि ये अपने जीजा के यहाँ जिसका मकान सावल रोड पर है वहाँ पर मिलने आ रहा है, तो उसी में हमने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और टीम ने वहाँ जाके उसके मकान पर दबिश दी। दबिश के दौरान इसको मौके से गिरफ्तार किया। सर, इसके ऊपर पुराने अपराध भी हैं क्या, इसके खिलाफ कार्रवाई की है? इसके खिलाफ 4 अपराध हैं और भी अन्य थानों से भी जानकारी ली जा रही है कि कहीं कोई अपराध हो तो अपराध रिकॉर्ड देखने के बाद इस पर प्रतिबंध लागू कर रही है।